बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियाँ दूर करे और आपको हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। तो जी, बहुत ही खूबसूरत दिन का आगाज़ हो गया है, तो अपना व्लॉग शुरू करने से पहले आपको आज का बहुत ही खूबसूरत मौसम दिखाती हूँ। तो जी, मौसम दिखाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा अपने घर के छत के ऊपर। तो जी, ये देखें, छत पे आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत व्यू हमें देखने को मिलता है। ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत आज का दिन हो गया है। तो राकापोशी आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ साफ क्लियर क्लियर हमें नज़र आ रही है। और ये देखें जी, तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत आज का दिन हुआ है और बहुत ही प्यारी धूप निकल आई है और ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं। और ये ठंडी ठंडी जो हवाएं आ रही हैं नीचे से, जो दरिया है, दरियाए हुंजा, वहाँ से ऊपर ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और टेम्परेचर बिल्कुल ही बराबर है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जी, अभी सुबह के 9 बज गए हैं और बच्चों को नाश्ता कराने के बाद मैंने भेजा है बच्चों को स्कूल। और घर की साफ सफाई करने के बाद लाइट आई थी, तो मुझे आज बनानी थी लस्सी। तो मैंने सोचा कि चलो बस आज साथ साथ मैं व्लॉग भी बनाऊं। और मैं आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं लस्सी से एक ट्रेडिशनल डिश बनाती हूँ, जो मैं आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, तो इसलिए आपने वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो अभी मैंने ये मटका धोना है, मटका धोने के बाद फिर हम लोग अंदर जाएंगे और अंदर जाके हम लस्सी बनाएंगे। फिर लस्सी जब बन जाएगी तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको मैं दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मटका धो लिया है, मटका मैंने धो लिया है। अभी अंदर जाएंगे, फिर अंदर जाके लस्सी बनाएंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी मैं काम कर रही हूँ क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है हमारे यहाँ, कब आएगी कब जाएगी, तो इसलिए जल्दी से मैं लस्सी मशीन पे चढ़ाती हूँ।
बिजली यहाँ पे कमजोर है, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टेबलाइजर लगाऊंगी, फिर स्टेबलाइजर लगा के ना फिर मैं लस्सी चढ़ाऊंगी। मशीन मैंने अंदर किचन में रखा है, सॉरी स्टोर में रखा है, तो अभी जाके अंदर स्टोर से मैं मशीन लेके आऊँगी, फिर उसके बाद मैं लस्सी बनाऊँगी। तो लस्सी हम लोग देसी तरीके से भी बनाते हैं, जिसे मशीन के जगह पे एक होता है, हम उसको सहू बोलते हैं। तो हम लोग सहू में भी हम लोग लस्सी बनाते हैं, यानी कि देसी मेथड है। तो वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी जब मैं सहू में वीडियो सॉरी लस्सी बनाऊँगी। तो अभी यहाँ से ले जाती हूँ मैं मशीन। तो जी यहाँ स्टोर में मैंने मशीन रखा है, और ये देखें जी मेरे स्टोर की हालत, ठूस ठूस के मैंने चीज़ें यहाँ पे रखी हैं। तो इंशाल्लाह जब मकान तैयार होगा तो फिर ये सारी चीज़ें मैं तमीज़ से रखूँगी। तो यहाँ पे रखा है मैंने मशीन। अकेले व्लॉगिंग करने में काफ़ी मुश्किल है, आहिल होता है घर पे, तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। तो जी बस दुआ है कि लाइट ना जाए और हमारा लस्सी जल्दी तैयार हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटके में मैंने दही डाला है, और बस अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मशीन चढ़ाऊंगी और हमारा लस्सी थोड़ी देर में बन के तैयार होगा। यहाँ पे मेरी एक बहन पूछ रही थी कि आप दही कहाँ पे रखती हैं जमाने के लिए। तो जी हमारे यहाँ यानी कि हमारे घर में फ्रिज नहीं है, तो फ्रिज इस्तेमाल करने की हमें ज़रूरत भी बहुत ही कम पड़ती है, ना होने के बराबर। तो क्योंकि यहाँ का मौसम बिल्कुल ही ज़्यादा गर्मियाँ नहीं होती हैं, टेम्परेचर बिल्कुल ही बराबर होता है। तो बस मैं जहाँ पे मैं कुकिंग करती हूँ, आग जलाती हूँ, वहाँ पे मैं दही नहीं रखती हूँ, इसलिए ले जाके बाहर रूम में स्टोर में मैं दही रखती हूँ। तो वहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल बराबर है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, तो इसलिए बराबर वहाँ पर दही हमारा जम के तैयार हो जाता है। तो बस जी बिजली लाइट जाने से पहले मैं मशीन चढ़ाती हूँ, अगर लाइट जाएगी तो फिर मेरा काम सारा खराब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बड़ी खुश हूँ, लाइट भी नहीं गई है और हमारी लस्सी बन के तैयार हो गई है। तो अब मैं क्या करूँगी, लस्सी से मक्खन निकालूँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारा एक भाई है, मुजम्मिल शाह भाई, जो मुझे कमेंट्स करता है और मेरी हौसला अफजाई मुझे करता रहता है। तो जी मैं मुजम्मिल शाह भाई को अपने लैंग्वेज में शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुजम्मिल शाह रात है बहुत शुक्रिया, तुसे मेरी वीडियोस पसंद थे नू, तू थे फैमिली से बहुत पसंद था ने, और कमेंट्स और जरिया किसों से मेरी हौसला अफजाई था ने। तो मेरी तरफे जो तू थे फैमिली टे में ही वे यही उटू मुश्की सो जो मासे शुक्रिया अदा था मनीष, और उम्मीद है नी कि सो सा ने जो यार ते गाने जो बात का सो से भी अदे थे हौसला अफजाई थो बियात और भी मी साथ दो बियात। तो जी ये था मुजम्मिल शाह के भाई के लिए, मेरे लैंग्वेज में हमारे लैंग्वेज में थैंक यू मैंने बोला, तो मैं इसे ट्रांसलेट करूँगी अभी उर्दू में, जिस किसी को मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आई है। तो जी मैंने बोला कि मुजम्मिल शाह भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका और आपकी फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग कमेंट्स के ज़रिए मेरी हौसला अफजाई करते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप और आपकी फैमिली इसी तरह मुझे मेरा साथ देते रहेंगे और मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। तो जी मैं फिर से आप मुजम्मिल शाह भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और प्लीज़ इसी तरह मेरा साथ देते रहिएगा। तो जी हमारा लस्सी तैयार हो गया है, अब मैं क्या करूँगी, लस्सी से मक्खन निकालूँगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा मक्खन मैंने निकाला है, ये देखे जी सारा मक्खन मैंने लस्सी से निकाला है। और क्या करूँगी मैं इससे ना, ठंडे पानी से धो के मैं मक्खन को उठाऊँगी। पर उससे पहले मैंने आज मैं जो रेसिपी ट्रेडिशनल रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, उसके लिए मैंने क्या करना है, लस्सी को मैंने छान लेना है। जी हाँ, तो मैं ये कपड़े का एक मैं थैली लेके आई हूँ, इसमें मैं सारा लस्सी मैं इसमें डालूँगी। फिर उसके बाद कोई 4-5 घंटे के बाद इससे क्या निकलता है वो आगे आप व्लॉग में देखेंगे। तो जी अभी इसके अंदर मैं क्या करूँगी, लस्सी डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कपड़े के थैले में मैं लस्सी डालती जा रही हूँ और अभी से ही मैं आपको दिखाती हूँ, अभी से ही ये देखिए जी ये लस्सी, और मैं डाल रही हूँ ऐसे इसमें लस्सी, सॉरी डाल रही हूँ, और अभी से ही ये देखें इससे पानी अलग होने लगा है, ये देखिए। तो अभी मैं क्या करूँगी, अभी ऊपर छत पे ले जाके दरख्त के ऊपर मैं टांग के रख दूंगी, और ये 4 से 5 घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि लस्सी को हम जब छानते हैं तो आखिर में इससे निकलता क्या है। तो ठीक है, तो चलें अभी ऊपर चलते हैं, छत छत पे चलते हैं। ये देखिए जी, इसका मुंह मैंने अच्छी तरह ऊपर मैंने बंद किया है, और अभी मैं ऊपर इसको छत पे ले जाऊंगी और वहां पे मैं इसको टांग के रख दूंगी। तो अभी जी मैंने इसको यहाँ पे टांग के रख दिया है, ये देखें जी अभी से ही इसका पानी निकलने लगा है। मैंने यहाँ पे लस्सी टांग के रख दिया है और ये 4 से 5 घंटे के बाद ये तैयार होगा, तो फिर मैं आके इसको यहाँ से उठाऊंगी। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं आज इससे क्या स्पेशल कुछ बनाने वाली हूँ, तो व्लॉग आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो अभी इसके तैयार होने तक मैं चलती हूँ, अभी नीचे चलती हूँ, और ये जब तैयार होगा तो मैं ऊपर आके इसको उठाऊँगी। तो बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं और लस्सी ऊपर मैंने टांग के रख दिया है, ये देखें वहाँ ऊपर मैंने लटका के रख दिया है। और अभी मैं आई हूँ नीचे अपनी कियारियों में, और मुझे यहाँ से चाहिए धनिया, पुदीना और सब्ज़ प्याज, प्याज के पत्ते। तो जी आज जो मैं बनाने वाली हूँ उसे, इसे हमारे ज़ुबान में, हम अपने लैंग्वेज में इसे ब्रुशपिक बोलते हैं, बहुत ही मज़े का बनता है। तो जी अभी मैं यहाँ से सब्जियाँ उठाती हूँ और ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाके हम बनाएंगे ब्रुशपिक।
أريس كم جايف تجين؟ آب تجين شباب. أنتو شكيني بيتونا ماش تويم شو؟ أنت لا. هاي شو لجيني بيت؟ أنا بعرفه جيني بيت. أو. धनिया पुदीना और प्याज मैंने अच्छी तरह धो लिया है। तो जी अभी ऊपर से जाके लाती हूँ लस्सी जो मैंने ऊपर टांग के रख दिया था। तो ये लस्सी से अब बन गया है। हमारे लैंग्वेज में हम इसको बुरुस बोलते हैं और उर्दू में शायद इसे हम देसी पनीर कह सकते हैं। तो ये देखिए जी, अब इससे पानी बिल्कुल ना निकलने के बराबर निकल रहा है, क्योंकि ये देखिए जी छोटे छोटे खतरे निकल रहे हैं। और बाकी हमारा ब्रश तैयार हो गया है। मैं ब्रश अंदर लेके आई हूँ, देसी पनीर मैं अंदर लेके आई हूँ। अभी इसे खोल के मैं इस बर्तन में निकालूंगी। तो ये देखें जी, हमारा ब्रूस तैयार हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारा ब्रूस यानी कि देसी पनीर बन के तैयार हो गया है। तो मैं ब्रश फैब्रिक बना रही हूँ, तो उसके लिए इतना ब्रश काफ़ी है और ये बाकी वाला मैं किसी और बर्तन में निकालूंगी। तो अब मैं क्या करूँगी, अभी जो मैं सब्जियाँ लेके आई हूँ उनके छोटे छोटे पीसेस बना के फिर मैं इसमें शामिल करूँगी। सारे सब्जियां मैंने काट के ब्रश में डाली हैं और अब इसमें डालूंगी हसबे जायका नमक। तो जी हमारा ब्रश का पेस्ट तैयार होगा और अब मैं क्या करूंगी, आटा गूंद के रोटियां बनाऊंगी, फिर हमारा ब्रश फैब्रिक हमारा तैयार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफ को ब्रश का ये वाला पेस्ट बहुत पसंद है। जब मैं बनाती हूँ तो ऐसे ही खाने के लिए आता है, तो यहाँ पे आके बैठ के तैयार बैठा हुआ है। शानिया थे हानुआ।
रोटियां बनाने के लिए भी मैं थोड़ा सा इसमें नमक डालूंगी, फिर आटा गूंदूंगी। और यहाँ पे मेरा छोटा बेटा प्याला आरिस मामा की हेल्प कर रहा है, और आहिल अपनी स्टडी में लगा हुआ है, अपनी पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उसको आज होमवर्क ज्यादा मिला है। आरिस दरवाज के चूनिया डबो। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आटा गूंद लिया है और अभी मैं बुखारी में आग जलाऊंगी। तो आरिस को बाहर भेजा है लकड़ियां लाने के लिए। देखो गुड बॉय गुड बॉय। अच्छा जी मैं इस तरह अभी पहले रोटियां बनाऊंगी, फिर इसके बाद जो प्रोसेस है मैं आपको आगे व्लॉग में दिखाऊंगी। और जी हमारे साथ यहाँ पे मुझे कमेंट्स करती हैं और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं मेरी बहन आयत फातिमा जिसका नाम है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को भी, अपने फैमिली मेंबर से भी मेरा चैनल शेयर ज़रूर करें, और उम्मीद करती हूँ इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करती रहेंगी। रोटियाँ भी मैंने बना ली हैं और जी अब मैं ब्रश पीक बनाना शुरू अभी मैं करूँगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, रोटियों के ऊपर जो ये मैंने ब्रश बनाया है वो ऊपर लगाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस तरह रोटी के ऊपर अच्छी तरह ब्रश को मैं बिछाऊँगी। तो जी पहले रोटी के ऊपर मैंने ब्रश बिछाया है, अब मैं क्या करूँगी इनके ऊपर फिर से मैं एक रोटी रखूँगी, और इसके ऊपर अगर आपके पास देसी मक्खन है तो मक्खन लगा सकते हैं, या आपके पास गिरी का तेल है तो वो लगा सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगी, गिरी का तेल लगाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की हमारी ब्रश पीक तैयार हो गई है। तो जी अभी जो बाकी जो इसको मैं चटनी कहूँगी ब्रश को मैं इस बाउल में डालूँगी। बहुत मज़े की हमारी ब्रश पीक तैयार हो गई है, और ये देखें बच्चे पहुँच गए हैं खाने के लिए। तो अभी मैं इसको काट के अब बच्चों को खिलाऊँगी। ब्रश पीक आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, और खाने के सालन के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। अभी मैं इसको काटती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Kamışa. Hı. Anne at bulmuş.
अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार ब्रश रपी तैयार है और बच्चे भी बड़े शौक से खा रहे हैं। और अपना व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मम्मीज चैनल। ओके, गुड बाय फ्रेंड्स, सी यू सून। हैप्पी डे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ब्रश अभी खाया है और मेरा आहिल अभी अभी दुआ पढ़ेगा। औजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अमना वसक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह।